बहार बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर ना जाए दिल कहीं सी तमन्ना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एडिटिंग प्रोजेक्ट में। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ फिर से एक न्यू लिरिक्स का स्टेटस वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर से जाके, अगर आपके पास कैन मास्टर नहीं है तो उस कैन मास्टर को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे ओपन करके यहाँ से प्लस कैन टैप करके आपको यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर लेंगे हम सिलेक्ट। मैं यहाँ से 9:16 वाला शॉर्ट वीडियो का जो रिश्यू है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट पे टैप। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में आपको इमेज में से एक वाइट इमेज ले लेना है। एंड आपको करना है कि आपको यहाँ से ऑडियो पे जाना है, आपके सॉन्ग जो भी है उसे आपको इसे यहाँ से कर लेना है इनपुट। प्लस के अगर टैप करके आपको इसे कर लेना है इनपुट। इनपुट करने के बाद में आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, वो आपके जो भी सॉन्ग का पहली लाइन है उसे लिख लेना है। जैसे हम लिख लेते हैं कलर पे आपको जाना है, वो इसके कलर को जो है आपको इसे कर देना है यहाँ से ब्लैक। ब्लैक करने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको इसे इतना सा बड़ा रख लेना है। फिर आपको यहाँ से डबल ए पे जाना है। हम यहाँ से एक फॉन्ट यूज करेंगे इसमें, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का। तो हम यहाँ से इस फॉन्ट को कर लेते हैं। फिर आपको ना क्या है इसके एनिमेशन पर जाके इसे पॉप करके इसे कर देना है 0.5। एंड बैक चले जाना है, वो आपको आउट एनिमेशन पर जाके इसे फेड करके इसे भी कर देना है 0.5। फिर आपको करना क्या है कि हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। फिर आपको जहाँ तक हमारी पहले सॉन्ग की लाइन है उसे हम यहाँ से कट कर दें। जैसे कि हमारी लाइन यहाँ पर है, अगली वाली यहाँ पर है और नेक्स्ट वाली यहाँ पर है। इसी प्रकार आपको इसको लिख लेना है। फिर आपको इस दूसरे वाले पे जाना है, दूसरी वाली हमारे टेक्स्ट पे एडिट पे जाना है, वो अगली वाली लाइन जो है उसे लिख लेना है। इसी प्रकार आपको सभी में जाके अपना सॉन्ग पूरा सॉन्ग जो है उसे लिख लेना है। तो इस प्रकार जो है हमने हमारा पूरा सॉन्ग जो है उसे लिख लिया। लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको इन सभी पे एक एक पे टैप करना है एंड इसे डुप्लीकेट करके नीचे ले आना है। वो इसके एडिट पे जाना है, वो आपको इसे रहने देना है। फिर आपको करना क्या है कि आपको डबल ए पे जाना है। हम वो यहाँ से एक इमोजी फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो जो हमारा टेक्स्ट फॉन्ट था उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से नीचे ले आना है, एडिट पे जाना है। वो हम यहाँ से हम आप ये रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे हम कि मैं दो फोन रख लेता हूँ, कौन ये वाले दो फोन रख लेता हूँ, मैंने इतना सा रख लेता हूँ। रखने के बाद आपको अगले पे जाना है, इस पर भी 3 डॉट पे जाके इसे भी डुप्लीकेट कर लेना है। वो इसके भी डबल ए पे जाना है, वो इसमें भी वो हम हमारा जो फॉन्ट था उसे यूज कर लेते हैं। यहाँ भी करने क्या है इसे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, वो इसके एडिट पे जाएंगे, इसमें भी आप जो भी वाले फॉन्ट रखते हो ये वाले रख लेते हैं। आपको इसी प्रकार पूरे गाने को डुप्लीकेट करके आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा जो आपको इसी प्रकार पूरे सॉन्ग में जो है इमोजीज लगा देने हैं। फिर लगाने के बाद में सो ऑल राइट गाइस, हमने कर लिए हैं हमारी जो भी हमारे टेक्स्ट थे उन सभी में हमने नीचे में इमोजी सेट भी कर दिए हैं। फिर आपको करना है कि लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, वो आपको यहाँ से एक ब्लैक इमेज लेना है। ब्लैक इमेज लेने के बाद में इसे इतना सा बड़ा कर देंगे, वो इसको क्रॉपिंग पे जाएंगे, वो इसका मास्क को ओपन करके आपको इसे यहाँ से इसके फेदर को कर देना है। आपको 34 यहाँ पर रख देना, वो ऐसे ही कुछ इस प्रकार से कर देना है। फिर करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से पहले टेक्स्ट पे इसे रख लेना है एंड इस पर टैप करके आपको इसके कलर को जो है कुछ इस प्रकार से चेंज कर लेना है। फिर आपको चाबी के ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से हम शुरू में इसे यहाँ से शुरू करेंगे, वो लास्ट में जहाँ हमारा तो आपको इसे यहाँ में रख लेना। रखने के बाद आपको इस पर टैप कर देना है एंड इसके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, वो ऐसे कर देना है यहाँ से स्क्रीन करने के बाद आपको इस पर फिर से टैप करना है, वो ऐसे यहाँ से कर देना है डुप्लीकेट एंड इसके कलर को दोबारा से बदल देना है। आपको बदलने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको कुछ इस प्रकार इसके ऊपर ही आ जाता है ये, तो थोड़ा सा इसे इधर किसका लेंगे चाबी के ऑप्शन पर जाके थोड़ा सा इसे इधर फिर यहाँ से भी इसे थोड़ा सा यहाँ रख लेंगे।
फिर हमारा जो है कुछ इस प्रकार का आपको इसी प्रकार सभी में डुप्लीकेट करके यहाँ ऊपर में थ्री डॉट में से जाके इन पे टैप करके आपको इसे डुप्लीकेट करना है एंड इसे ले आ जाना है आगे। इस पे भी लाल वाले पे भी टैप करना है, इस पे डुप्लीकेट करना है एंड इसे भी आगे ले जाना है। आपको इसी प्रकार पूरे सॉन्ग में जो है इसे लगा देना है, हम इसे भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक लाल और एक आप जो भी कलर सेलेक्ट किया उसे डुप्लीकेट करके यहाँ से ले जाएंगे। जैसे आप इसे ले जाते हैं फिर आपको करना है कि आपको यहाँ से ऊपर में एक एक्सपोर्ट का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड में, तो आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो ऑल राइट गाइस, हमारा वीडियो जो था वो एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से प्लस के आइकन पे टैप करके आपको यहाँ से फिर से 9x16 वाला रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में आपको जो है यहाँ से हम बैक ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से एक वाइट इमेज जो है उसे ले लेना है इमेज एसेट्स में से जाके। तो हम इसे ले लेते हैं, लेने के बाद में आपको इसे 15 सेकंड तक बड़ा कर लेना है जितना हमारा वीडियो था। इसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, वो आपको यहाँ से एक ब्लैक इमेज जो है उसे ले लेना है। लेने के बाद में आपको इसे इस तरह से बड़ा कर देना है एंड आपको इसमें से एक कलर ले लेना है, जो भी आपका कलर है उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद में आपको करना ही है कि इसके आपको यहाँ से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है एंड इसके मास्क को ओपन करके आपको इसे कर देना है 35 करने के बाद में आपको यहाँ से राइट पे टैप कर देना है। राइट पे टैप करने के बाद में आपको इसे थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस प्रकार बड़ा कर लेना है एंड इसे ऊपर की ओर ले जाना है आप। फिर आपको कर देना है इसे डुप्लीकेट एंड इसे नीचे वाले पे भी ले आना है आपको इसे उंगली से। लेने के बाद में आपको करना क्या है कि हमारा जो वीडियो था वहाँ पे लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है, वो आपको इसे यहाँ से इनपुट कर लेना है। अगेन आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊपर ही ऊपर में आपको यहाँ से थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको यहाँ से में जाना है और इसे यहाँ से ले जाना है पीछे भेजिए। आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में आपको दो बार इस पर इसको पीछे भेजना है क्योंकि हमने दो लिंक्स लिए थे वहाँ पर। तो फिर हमारा वीडियो जो है कुछ इस प्रकार का तैयार। एंड आप इसे इतना सा बड़ा कर लेंगे जितना पहले था हमारा, ये हमारा वीडियो जितना पहले बड़ा था उस। फिर हमारा वीडियो जो है कुछ इस प्रकार तैयार हो जाता है। फिर आपको इसके बराबर इन सभी को भी रख लेना है एंड बाकी के भाग को यहाँ से कर देना है ट्रिम। हम इन सभी को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। फिर आपको इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।